मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अब हम लोग हो गए हैं तैयार, हम लोग जा रहे हैं। आज हमारी यूके की फ्लाइट है। आज मैं आपको दादू से मिलवाऊंगी, उनसे मिलवाना रह गई थी। तो ये है दादू। दादू हेलो बोल दो। हेलो हेलो तो अब हम लोगों की बस तैयारी, हमने गाड़ी में बैग रख लिए हैं। रुपिन वैसे का वैसा है, नॉट इंटरेस्टेड। पापा हेलो बोल दो। हेलो यार, कितना स्वीट बोलते हैं यार। और ये है, ये भी मम्मी जी तैयार हैं। हेलो मम्मी जी। और ये दादी भी तैयार हैं। हेलो। और पारुष हमारे लिए लाए हैं केक। मैं आपको दिखाती हूँ केक। अब हम लोग मम्मी पापा की वेट कर रहे हैं। दुआ पेरेंट्स लेट हो गए एज यूजुअल। और अब हम लोग काटने लगे हैं केक। आप भी देखो हम केक कैसे काट रहे हैं। खाना मत, क्योंकि हम खा जाएंगे। तो मिलते हैं केक काटने के बाद। और कुछ ऐसा है कि ये हो गई है इमोशनल। ये देखिए, रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं आप। ओ बेटे, बाढ़ ना आ जाए भाई। पापा बाल्टी ला दो प्लीज एक। तो अब हम लोग हो गए इमोशनल थोड़े से। मैं नहीं हुई क्योंकि अब मैं स्ट्रांग हो गई। तो अब हम लोग थोड़ा सा इमोशनल होके केक वेक काट के आते हैं। देख लिया हमने केक काट लिया, अभी सब खा रहे हैं। मैं वो भी दिखाती हूँ कौन कौन कितना खा रहा है। ये है दादी, नाइस। ये ओके, पापा खा लो यार। रुपिन कितना खाया? नहीं खाया। और ये मम्मी, मम्मी खा लो, कैमरा बंद करने का वेट मत करो। हम लोग हो गए हैं गाड़ी में लोड। ये पिछली बार जाने में बहुत टेंशन हुई थी, इस बार इतनी टेंशन नहीं क्योंकि अब पता है कि हम कभी भी आ सकते हैं। तो मम्मी भी अब रिलैक्स है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, ओ वो भी आ गई। हेलो। तो अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की ओर। तो मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट में, सबको बाय कहते हुए, और फिर आपको दिखाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट और आगे का सफर। वक्त हो गया जाने का, आप कहते हैं सबको बाय 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 बाय। और कौन है? पारुष भाई। हाय भाई। अब हम लोग जा रहे हैं। मम्मी उदास नहीं होते? उदास नहीं होते। ओके बाय 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 बाय। चलो अब अंदर जाके मिलते हैं। तो हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे और यहाँ आते इतनी टेंशन हुई क्योंकि हमने कल कोविड टेस्ट कराए थे, बट उसकी रिपोर्ट्स ही नहीं आई थी अब तक। रुपिन की, मेरी तो आ गई थी। तो हम उसको निकालने के चक्कर में, और मेरी आंखें देखो रो रो के। और ये देखो हीरो मोटे पेट देखो, आपको दिख रहा है? चलो अब नहीं दिख रहा। तब हम खड़े हैं यहाँ पे चेक इन के उसमें लाइन में, चेक इन कर दें और फिर आपसे मिलते हैं सिक्योरिटी चेक के बाद। फाइनली 2 घंटे बाद हमारा चेक इन हो गया है और अब हम अंदर जा रहे हैं। तो मैं आपको ड्यूटी फ्री दिखाती हूँ दिल्ली एयरपोर्ट का। था यहाँ का ड्यूटी फ्री। अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ, तो जब एक बार सेटल हो जाऊँ उसके बाद आती हूँ फिर से। तो यार हमें भूख इतनी लग रही थी कि हमने पहले सोचा बोर्डिंग तो कर लेंगे 10 मिनट बाद, और पहले कुछ खा लें। तो हम कुछ खा रहे हैं, ये आगे खाना लेके तो हम कुछ खा के फिर बोर्डिंग करके आपसे मिलते हैं सीधा प्लेन में। तो यार आज दिन के एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं। पहले चेक इन में इतना टाइम, फिर सिक्योरिटी चेक में इतना टाइम, अब हम लोग फाइनली बोर्डिंग तक पहुँचे। तो वहाँ जी हो गया नाम अनाउंस, मुस्कान दुआ आई है गेट पे, क्योंकि बैग्स तो मेरे नाम पे होते हैं। लेडीज़ फर्स्ट का ये ज़माना, बाय गॉड। फिर हमको चेक इन के लिए बुला लिया क्योंकि रूपिन जी के बैग में बैटरीज थी, बिकॉज उसके इक्विपमेंट्स थे। वहाँ इतना टाइम वेस्ट हुआ, बोर्डिंग हमारी चालू और हम यहाँ घूम रहे हैं बीच में मस्त। एक ठाट ही अलग है हमारे, लास्ट में घुसेगा अपन प्लेन में।
हम लोग VIP क्लास में जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग की ओर और उसके बाद मैं प्लेन में बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली इतने स्ट्रगल्स के बाद हम बैठ गए हैं। अच्छा यार एयरलाइन ये वाला, पहले मुझे लग रहा था बेकार है सऊदी का, बट अंदर से अच्छा है। हमें विंडो सीट मिली है। मैं एक बार आपको प्लेन दिखा देती हूँ और उसके बाद हम उड़ते हैं। फिर हमारा स्टॉप है रियाद में, तो रियाद में काफ़ी लंबा लेओवर है, तो आपको पूरा रियाद का अगर खुला हुआ हो तो आपको पूरा एयरपोर्ट दिखाऊंगी, और नहीं हुआ तो बातें करेंगे आप इसमें और भी कुछ। तो जुड़े रहो और देखते रहो। अभी मजाक हुआ, प्लेन तो बहुत अच्छा लग रहा था बट अभी आई एक स्पेशल मील। बाय गॉड मन खुश हो गया देख के, आप भी देखो जरा। तो कुछ ऐसा खाना मिला है, ये पता नहीं क्या है, ये कुछ राजमा टाइप है, ये चावल और ये आलू बैंगन। भाई घर पे भी नहीं खाती मैं आलू बैंगन, फ्लाइट पे कौन देता है। ये कुछ बर्गर टाइप है रोटी जैसा, ऑयल भी मिला है हमें, चाहिए आपको पक। और ये है सैलेड, बताओ 2 रुपए की, और मक्खन भी है, चम्मच भी है। और भाई साहब पानी देखो इसमें, ये पानी मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर इसको स्पेशल मील कहते हैं ना, तो मेरा मील खाने से विश्वास उठ गया है आज। आलू बैंगन, मेरी मम्मी ही अच्छी थी जो मेरे को आलू बैंगन तो नहीं खिलाती थी कम से कम, और राजमा भी पकी हुई देती थी। व्हाट इज दिस, अब हम इस बेहूदे को ठिकाने लगा के वापस आते थोड़ी देर में। जरा सबर करो, ये मुझे ही बोलना पड़ा। ये देखिए ये मिला है चाकू, ये चाकू है, चाकू का बच्चा, इससे मेरा ये भी ना कटे। और ये देखिए चम्मच, एक बड़ा चम्मच, एक बच्चा चम्मच, और क्या है, ओ बेटे कांटा भी है। इस कांटे से क्या होगा, ये सिर्फ टूट सकता है। ये देखिए व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग, ईट आलू, वेट लेट मी गिव आलू टू एवरीवन, यू वांट टू ईट आलू, आई डोंट लाइक आलू, गुड बाय। तो मैंने खाया तो मेरे मुँह से सिर्फ ये निकला कि भाई मैंने 40,000 रुपये खर्चे हैं ये खाने के लिए, राजमा कच्ची, आलू बैंगन, हिम्मत देखो मसाले वाले मैं, मतलब क्या बोलूँ। पता को कितने शौक से खा रहा हूँ, बहुत स्वाद है ना। इसी एयरलाइन वाले को साथ ले जाओ जो खाना बनाते हैं, ऐसे ही आलू बैंगन खिलाएगा तुम्हें खाना। तो बाप रे बाप, पहला वाला तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ। अभी बहुत लंबा सफ़र है, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या खाना पड़ेगा। अभी आलू बैंगन है, पता लगे करेले वरेले भी आ जाए, तो जुड़े रहो और देखते रहो। आज इस ट्रिप की एक और ट्रेजेडी वाली बात, हमारे लिए आई थी स्पेशल मील, और जो लोगों को मिल रही है ना वो अच्छी है। एयरलाइन की गलती नहीं है, गलती हमारी है, गलती से सिलेक्ट कर लिया मील। इतनी गलती, स्पेशल मील अगर ये होती है ना, मैं क्या वाकई बोलूँ यार। और लोग इतना अच्छा खा रहे हैं जिन्होंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था। मैंने बोल दिया पता है हॉस्टेस को कि मुझे भी दो, अब मुझे मिलेगा तो मैं खुद दिखाऊंगी कि यहाँ पे ओरिजिनली क्या मिलता है। क्या पता एयरलाइन की गलती यार ना हो, अच्छा ही दे रहे हो, तो देखते हैं अगर वो मुझे देती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्या है नहीं तो फिर कोई बात नहीं जी, मिलते हैं याद में। तो फाइनली मेरे को दे गई, पूरा तो नहीं दे के गई बट सिर्फ चिकन और राइस वगैरह दे के गई है, जो थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे इतनी सारी बैंगन से। तो मैं बस मूवी देख रही हूँ, खा रही हूँ, आपको ऊपर खाने की शक्ल दिखा रही हूँ, और उसके बाद मैं खाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं रियाद में। हम लोग रियाद पहुंच गए हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ फिर से एक आ गई है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो हम जो पूछ रहे हैं उनके पास जवाब नहीं है, हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हम घर पे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नो सब परेशान हो रहे होंगे। अभी वाईफाई के नेटवर्क्स नहीं मिल रहे हैं, फूड कोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखो वो भी परेशान है। हम सिर्फ वाईफाई के नेटवर्क ढूंढने में लग रहे हैं अभी, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग पर भी ध्यान नहीं दे पा रही। जैसे एक बार सेटल होती हूँ तो मैं, अगर कुछ दिखता है, वैसे इतना कुछ खास है नहीं इस एयरपोर्ट पे,
कुछ भी होगा तो मैं उसके बाद दिखाती हूँ, सेटल होने के बाद। तो यार मैं अभी इतना थक गई हूँ, एक तो रेस्ट करने की जगह नहीं, ऊपर से कुछ खाने का नहीं, पता नहीं डोमिनोज मिला है क्या ही होगा। आज का मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अब मैं और हिम्मत है कि मैं और व्लॉगिंग कर पाऊँ। अब मैं सीधा आपसे मिलूँगी कल अपने नए व्लॉग के साथ, अब सीधा बॉर्नमाउथ में। आप भी सोचोगे बॉर्नमाउथ कौन सी जगह है, आपको सबको पता लगेगा जब मेरा व्लॉग आएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप लविंग मी, बाय बाय।